ना मैं हारता हूँ ना मैं हार मानूंगा, मैं मुश्किलों से लड़ के मंजिल को पालूंगा। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं, उन्हीं को कलेक्ट किया गया है, जैसे पीसीएस जैसे एग्जाम में या टेट जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए समझते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो या अपनी इच्छा को वश में रखने वाला, टेट 2011 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, जितेंद्रिय। कितने भी जितेंद्रिय व्यक्ति हैं, अपने इंद्रियों पर काबू कर लिए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे ही आपको भी अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करना है एक दिन, मेहनत से, कर्म से, ठीक है। तो जितेंद्रिय इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार दोस्तों एग्जामिनर भी बहुत चालाक हो गया है, ठीक, वो जितेंद्रिय न देख दे देगा इंद्रिय जित। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि जितेंद्रिय भी होता है और इंद्रिय जित भी होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता थोड़ा है, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे या जो इंद्रियों के पहुंच के बाहर हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, इंद्रियाति। क्या, इंद्रियाति। अब दोनों कंपेयर करके थोड़ा देखते हैं क्या मामला है। यहाँ पे देखिए, जो इंद्रियों से परे हो उसे बोलते हैं इंद्रियाति, या और अगला है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय या इंद्रिय जित, ठीक है। तो एग्जाम में आए भी हुए हैं और कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाता है, तो इसी को आपको दूर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अन्य से संबंध रखने वाला, ठीक है, अन्य से संबंध रखने वाला, रिलेशन टू अनदर पर्सन, उसे बोलते हैं हिंदी में एकांतिक। उसके लिए वाक्यांश के एक शब्द क्या हो जाएगा, एकांतिक। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं एकांत, ठीक है। देखिए यहाँ पर एकांतिक, यहाँ पर एकांत, अन्य से संबंध रखने वाला एकांतिक, जहाँ कोई दूसरा ना हो एकांत, कहते नहीं एकांत वातावरण में, शांत वातावरण में आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी चाहिए और इस जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे हम लोग भी बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, किए गए उपकार को मानने वाला। जैसे आप किसी की मदद करते हैं तो आपको थैंक यू बोलता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, किए गए उपकार को मानने वाला, या इसे कुछ इस तरह पूछा जा सकता है, किए गए उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाला, ठीक है। कहते नहीं कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, ऐसा, तो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। यहाँ पे वाक्यांश के एक शब्द क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछ ले दोस्तों, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, ठीक है, किए गए या किए गए उपकार को भूल जाने वाला, के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कृतघ्न। कृतघ्न या एहसान फरामोश। कहते नहीं तुम बहुत एहसान फरामोश इंसान हो, अब की बार तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ठीक है। हालांकि तो अपने नेचर के ऊपर होता है, इंसान जिसका नेचर होता है मदद करने को करता ही है। अब एहसान के बदले एहसान थोड़ी नहीं लेना है, ठीक है। आप अपना कर्म करिए, बाकी जो कर्म दुनिया कर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो उपकार को नहीं मानता उसके लिए क्या हो जाता है, एक शब्द, कृतज्ञ या एहसान फरामोश। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है या जो बहुत कठिनाई से मिलता है। अगला है बहुत कठिनाई, सॉरी यहाँ पर कठिनाई होना चाहिए, बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला, UPSC 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्लभ। कहते नहीं कि ये भैया बहुत दुर्लभ वस्तु है, या इसी को दुर्लभ ना देकर एग्जामिनर दे देता है दुष्प्राप्य, ठीक है। आपको दुष्प्राप्य और दुर्लभ दोनों याद रखना है, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्लभ या दुष्प्राप्य। आगे देखते हैं अगला क्या है, जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्जेय, ठीक है, दुर्जेय। और अगर आ जाए जिसको जीतना मुश्किल हो,
मतलब जिसको जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय, मतलब जिसको जीता ही ना जा सके, जिस पर विजय ही प्राप्त ना की जा सके। पर यहाँ पे जिस पर विजय पाना कठिन हो, मतलब मुश्किल हो, उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जेय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जिसके पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2004 में एक क्वेश्चन आ चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी या पारदर्शक। आर पार देखा जा सके, आर पार नदिया के पार ना। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो किस दिशा में चलना है हम सबको? हम सबको अपने लक्ष्य की दिशा में चलना है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, जो कि आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है मेरे दोस्तों। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है, उसे वो उसके लिए एक शब्द हो जाता है युत्सु, युत्सु। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा उसे बोलते हैं युत्सा। देखिए थोड़ा सा अंतर यहाँ पे, छोटा ओ की मात्रा है, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है। ठीक है, एक मात्रा का डिफरेंस है और आंसर बदल गया है। दोनों को एक साथ देख लेते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे बोलते हैं युत्सु, अगला है युद्ध करने की प्रबल इच्छा उसको बोलते हैं युत्सा। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी का सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपना परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।